कार्तिकारी अभिनंदन। हम लोग के बीच में सारी बातें भी निकल के आ गई हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट CBCS के बारे में और पूरा जो स्ट्रगल है उसके बारे में हम लोगों को अभी सारे इतने पहले के वक्ताओं ने काफ़ी सारी बातें रखी हैं। मैं कुछ थोड़ी बातें रखना चाहूँगा। मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों ने सब लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक कॉलोनियल रूल था। तो उसमें क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड की थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, और वो एक उसमें क्या था, एक क्लास करेक्टर दिख रहा था कि उन्होंने क्या किया था कि एक ही क्लास को एजुकेशन देके अपने बीच इंटरमीडिएट क्लास बनाया था, और वही उनकी चापलूसी करते थे, वही उनके ब्रांडिंग करेक्टर वो जो उनका डिपिक्ट होता था वहाँ पे वो दिखाते थे। सेम एज अगर आप लोग वही कंपेयर करेंगे तो वो जो पूरा एक आइडिया है वो यहीं पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या है कि अब एजुकेशन को ऐसा बनाया जा रहा है कि अब एक ही क्लास को एजुकेशन मिलेगी, कि आप जो लोअर क्लास है उसको क्या क्या केवल क्या मिलेगा, स्किल बेस्ड प्रोग्राम, कि आपको ऐसे प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे कि आपको डिक्टेट किया जाएगा, और जो अपर क्लास है उसको एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और वो किस लिए प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है और अपने जो काम है उसको चलाने के लिए। सेम एज कॉलोनियल रूल की तरह कि जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे अपना रूल चलाने के लिए, वही सेम एज है कि जो आज यहाँ पे सरकार है वो अपने राज को चलाने के लिए, अपने डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए वो यहाँ पे अब एक क्लास को एजुकेशन देने जाती है, जो जिसे हम लोग एलीट क्लास बोलते हैं आजकल बहुत सारे लोग, और वो यहाँ पे उनके थ्रू क्या होगा कि अपने कुछ चापलूसों से और एजुकेशन को देगी और उनसे फिर अपना काम करवाएगी। ये पूरा आज का आइडिया जो इन लोगों का CBCS लाने का आइडिया या 5UP लाने का आइडिया या स्किल एनहेंसमेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने का आइडिया, वो इसी भी बेस है, थोड़ा थोड़ा सेम है कॉलोनियल रूल से। तो अजायर लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि उसके बाद जब हम लोग कॉलोनियल रूल में जब ये लागू हुआ तो उसके बाद सारे मूवमेंट हुए, और हम लोगों ने क्या किया कि हो सकता है कि इनके चंद गुंडे और दो लोग तीन लोग आके लाठी लेके अंग्रेज भी पीटते आके थे मजदूरों को और मतलब वहाँ के छोटे किसानों को, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने एक रिजल्ट देखा, क्या हुआ, एक मूवमेंट हुआ, एक चाहे उसे और पूरा एक मूवमेंट हुआ, और लोगों ने आके क्या किया कि मूवमेंट के थ्रू उनको कुचला, उनको भगाया, उनको मारा और यहाँ से बाहर किया। तो ये लोग भूले ना उस करेक्टर को, जो अपना करेक्टर ये लोग अब्सॉर्ब किए हुए हैं, उसके कॉलोनियल करेक्टर अब्सॉर्ब किए हुए हैं, लोग भूले ना कि हम लोग केवल सिंगल में नहीं आएंगे, कि आप लोगों को एक एक थप्पड़ मारने नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे और पूरा एक मूवमेंट के थ्रू आएंगे, और जो आप लोगों को वो मूवमेंट इस तरीके से थप्पड़ मारेगा कि आप लोगों की यहाँ पे जड़ें भी नहीं रह जाएंगे, आपकी जड़ें उखड़ जाएंगे यहाँ से, और आपका कोई भी अस्तित्व यहाँ पे नहीं बचेगा। हम लोग सिंगल में नहीं आएंगे, हम लोग मूवमेंट के थ्रू में आने वाले लोग हैं, और आएंगे और आपकी ये पूरी जो जड़ें हैं, ये जो संघी जड़ें हैं, जो आपकी डिक्टेटरशिप की जड़ें हैं, ये उखाड़ फेंकेंगे। और ये हम लोगों ने FYUP में भी किया था, हालांकि आप इतना ही डर गए थे कि हम लोगों के साथ ही आ गए थे, लेकिन इस बार हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। जो आपका करेक्टर कल भी दिखा और पिछले दिनों भी KYS के साथियों के साथ दिखा था, वो हम लोग भूले नहीं है अभी, हम लोगों को पूरा जहन में सबके पास है, लेकिन हम लोग आएंगे और आपको जरूर यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, ये आप लोग भूलिए मत। हम लोग एक तो चेतावनी देना चाहते हैं, दूसरा मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ CBCS के बारे में, क्या है CBCS थोड़ा FYUP से डिफरेंट है। हम लोग बहुत सारे क्रिटिक कर रहे हैं कि उसमें उसका कुछ लोगों ने क्या किया, जो पिछले साल FYUP आया था तो उन्होंने स्ट्रक्चर उसका इतना हौच पौच कर दिया था कि स्टूडेंट उससे परेशान हो गया था, तो उन्होंने कहा किया है कि अब स्ट्रक्चर को उतना ज़्यादा हौच पौच करने हौच पौच है, लेकिन क्या है उसको थोड़ा एक अच्छे उसको मतलब अच्छे वैसे उसको एक स्ट्रक्चरल वैसे इन्होंने किया है। लेकिन वही बात है, आपके पास टाइम तो था ही नहीं, तो आपने कोशिश जरूर की स्ट्रक्चर वैसे रहने की, लेकिन आपकी वो कोशिश तो नाकाम रही, क्योंकि आपने एक महीने के अंदर ये सब तैयार किया। आपने कोर्स किससे तैयार करवाया, क्योंकि आप तो MHRD के बाबुओं से कोर्स तैयार करवा रहे थे, तो कोर्स स्ट्रक्चर आप लोग जब देखेंगे कोर्सेज का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्या है कि स्ट्रक्चर में लगातार वो गिर ही रहा है जो आपका थ्री ईयर से था, लेकिन पूरा FYUP से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा कि सेम है FYUP नहीं है। तो हम लोग को जो क्रिटिक करनी होगी, मतलब इसकी जो CBCS की, उसको भी देखना होगा कि ये सेम है FYUP नहीं है, उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिक, उसकी स्ट्रक्चरल क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन पूरा उस तरीके से नहीं क्रिटिक करते हैं। ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, हमारे सारे संगठन के साथियों को ध्यान रखना होगा, और हमारे जो लोग सारे लोग क्रिटिक कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, और अगर हम लोग को मूवमेंट इस पर खड़ा करना है
तो हम लोग को उसको अच्छी किटी का जो एनालिसिस है जो उसको क्लियर एनालिसिस देनी पड़ेगी स्टूडेंट को और पूरा मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकला जिंदा जामिया से एक साथ।